News India presents My Dreams, a talk show where you can express yourselves. जी हाँ, ये मंच है जहां पर आप अपनी इच्छाओं को, अपनी सोच को एक मंच दे सकते हैं. मैं अभिषेक भारती आप सभी का यहाँ स्वागत कर रहा हूं और इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर्स हैं निम्स यूनिवर्सिटी, एक ऐसी जगह जहां पर 350 से ज्यादा कोर्सेज अलग 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 डिपार्टमेंट के चलाए जाते हैं और जहां वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों को मिलता है. हमारे साथ कुछ यंग गन्स हैं जिनसे हम बात करेंगे कि उनके सपने क्या हैं, उन सपनों को वो कैसे पूरा करना चाहते हैं और उनके मन में जितने भी सवाल हैं उन सवालों का जवाब देने के लिए भी हमारे पास पैनलिस्ट की पूरी एक टीम है. हमने कोशिश की है कि शिक्षा के हर विधा, हर क्षेत्र से किसी न किसी को हम यहां पर लेके आए ताकि बच्चों के मन में हर वो जो सवाल है, जो उनके मन को परेशान करता है, उस सवाल का जवाब हम इस मंच पर दें. तो आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं. हमारे साथ मेरे सहयोगी उमंग भी हैं. उमंग के साथ कुछ बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स भी हैं. तो अब सीधा चलते हैं उमंग के पास. उमंग, बच्चों से जानना चाहेंगे क्या है उनके सपने. जी बिल्कुल अभिषेक, हम यहाँ पे सारे बच्चे मौजूद हैं और डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के लिए वो एडमिशन लेने के लिए आए, तो हम सबसे पहले उन्हीं से जानते हैं कि वो किस फील्ड में एडमिशन लेने आए और क्या वो चाहते हैं. जी सर, आप बताइए. मैं रिसर्च करना चाहता हूँ. एक्चुअली मैं एमए किया है, तो मैं एक टीचर हूँ, स्कूल टीचर, और अब यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना चाहता हूँ और निम्स मुझे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, तो मैं यहाँ ज्वाइन करना चाहता हूँ रिसर्च के लिए, रिसर्च इन इंग्लिश. चलिए, रिसर्च की बात यहाँ पर हो रही है, तो रिसर्च के सिलसिले में निम्स में और क्या कुछ जो सुविधाएं हैं, इसके बारे में और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे आशीष माथुर साहब डिप्टी डायरेक्टर हैं, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट एंड पीआर में भी हैं, और दीप्ति रुस्तगी जी भी हैं हमारे साथ, वो भी मौजूद है. दीप्ति रुस्तगी जी डिप्टी रजिस्ट्रार हैं एडमिशंस में भी, तो उनसे भी बातचीत करते हैं. दीप्ति जी, रिसर्च के फील्ड में अगर बातचीत करें तो क्या कुछ, अगर आगे क्या कुछ संभावनाएं हैं और हम कैसा मंच देते हैं रिसर्च में. किसी को भी एडमिशन लेने से पहले, जो कि हम यूजीसी की गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, सबसे पहले उन्हें एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है जो कि हम कंडक्ट करेंगे जुलाई में, अप्रॉक्स 15 जुलाई के आसपास. उस एंट्रेंस एग्जाम को जो लोग क्वालिफाई कर पाएंगे उसके बाद एक उनका इंटरव्यू होता है. इंटरव्यू के बाद ही हम उसको सिलेक्शन में लाते हैं या मेरिट में लाते हैं. जो लोग दोनों चीजें क्वालिफाई करते हैं वही लोग एलिजिबल हैं रिसर्च के लिए. ये यूजीसी का जो रूल्स है उसको हम लोग फॉलो करते हैं. उसके बाद जब बच्चे को दोनों चीज़ें क्वालिफाई कर लेता है, मेरिट डिक्लेयर हो जाती है, तब उसका रिसर्च आगे स्टार्ट होता है. पहली चीज़ है कोर्स वर्क, जिसमें उसका कोर्स वर्क रहता है, उसका टॉपिक डिसाइड होता है, गाइड से उसको मिलवाया जाता है. उसके बाद जब दोनों कंफर्टेबल हैं एक टॉपिक के ऊपर रिसर्च जिसको करना है, वो सब चीज़ें जो आज चल रहा है हमारे गाइड्स उसको बताते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स आज चल रहे हैं, पिछले टॉपिक्स कहाँ से रिसर्च कर सकते हैं, कैसे आपको दो डेटा को मैच करना है, कंपैरिजन स्टडी बनाना है, ये सब चीज़ें उसे गाइड यहाँ पे प्रॉपर सिखाते हैं, जो कि हमारे इनहाउस ही गाइड्स हैं, हमारे यहाँ जॉब करते हैं, दे आर एमिनेंट प्रोफेसर्स इन डिफरेंट फील्ड्स. तो सभी बच्चों को ये सुविधा है जो भी यहाँ रिसर्च करना चाहते हैं. अभी भी एप्लीकेशंस फॉर्म जैसे ओपन है 15 जुलाई के लिए, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं. उसके बाद जब आपको गाइड से मिलाया जाएगा तो आप अपनी एकेडमिक क्वेरीज उनसे पूरी पूछ सकते हैं. चलिए, तो उम्मीद है कि जो सवाल मन में था हमने कोशिश की कि उस सवाल का जवाब देने के लिए. बहरहाल मुझे एक बात याद आती है कि आखिर ड्रीम, सपने की बात चल रही है, आखिर ये ड्रीम होता क्या है? क्या वो जो हम सोए हुए में देखते हैं? शायद नहीं. अगर एपीजे अब्दुल कलाम के शब्दों में देखें तो सपना वो है जो आपको सोने नहीं देता. तो इसी सपने के बारे में, इसकी डेफिनेशन क्लियर करने के लिए आज हम यहां पर बैठे हैं और एक बार फिर से रुक करते हैं उमंग का. उमंग के साथ कुछ जो हमारे यंग गन्स हैं, कुछ बच्चे हैं जिनके मन में बहुत सारे सवाल है, वो मौजूद हैं. तो उमंग, कुछ और सवाल. जी बिल्कुल अभिषेक, मैं बच्चों से जानना चाहूंगा जो आप कौन सी फील्ड के लिए एडमिशन लेने आए हैं. सर, मैं 3 कोर्सों के लिए कंफ्यूज हो रहा हूं, तो उनके बारे में बिल्कुल आप बताइए कौन से कोर्सेज हैं हमारे. उमंग, यहाँ यहाँ बच्चों से मतलब उनके सपने क्या हैं, अगर हम पूछें कि आज से 5 साल बाद वो अपने आप को कहाँ देखते हैं, क्या करना चाहते हैं वो, किसकी तरह बनना चाहते हैं वो, सपनों के बारे में बात करें. बताइए और फिर कोर्सेज जिसमें आप एडमिशन लेना आए हैं, जिसमें आपको कन्फ्यूजन है, वो आप बताइए, हमारे पैनलिस्ट हैं, आपके सभी कन्फ्यूजन दूर करेंगे. मेरा नाम अंकित कुमावत है, मैं यहाँ चरोल से आया हूँ और सर मेरे 3 कोर्स हैं, तो उनमें तीनों में कन्फ्यूज हो रहा हूँ कि कौन सा करना है मेरे को. या एक फार्मेसी और एक है पैरामेडिकल और एक बीएससी नर्सिंग, तो इन तीनों के बारे में जानकारी लेने आया हूँ कि उनसे में क्या स्कोप वगैरह है, कितना क्या समय वगैरह.
जी अभिषेक, ये जानना चाहते हैं पैरामेडिकल, फार्मेसी और इन इन तीनों कोर्सेज में कंफ्यूज हैं, ये जानना चाहते हैं कि किस कोर्स में आगे कितना स्कोप है, उस बारे में जानना चाहते हैं। चलिए बिल्कुल इनका जवाब हम लेंगे, लेकिन मेरा एक सजेशन इनको है कि आवाज और इच्छाएं हमेशा बुलंद रखिएगा, ताकि आपकी सोच और आपकी जो आवाज है वो हर उस शख्स तक पहुंचे जहां तक आप पहुंचाना चाहते हैं। बहरहाल हमारे साथ डॉक्टर आरपी सिंह जी भी मौजूद हैं, निम्स इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के प्रिंसिपल हैं। बहुत बहुत स्वागत है आरपी सिंह साहब आपका। सवाल आपने सुना, फार्मेसी से रिलेटेड क्वेरी है इनके मन में और जवाब चाहेंगे आपसे। नमस्कार, मैं आपको बता दूं आपका जो क्वेरीज है रिगार्डिंग द फार्मेसी, इस टाइम सबसे ज़्यादा जो स्पेसिफाई जो फील्ड है दैट इज़ अ मेडिकल फील्ड, जहाँ पे कि काफ़ी लोग काफ़ी बच्चे आना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया में अभी कुछ पिछले 4-5 साल के यदि अपन ट्रेंड देखें तो मेडिकल में काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस आ रही है। पहले हमारे पास मेडिकल में इतनी अवेयरनेस नहीं होती थी, और दूसरा अपने पास पैरामेडिकल वाला जो स्टाफ था उसके लिए भी हमारे पास इतनी ज़्यादा स्कोप्स नहीं रहते थे और इतना अवेयरनेस भी नहीं होती थी। पहले पर क्या होता था, पहले हम सिर्फ डॉक्टर्स पर डिपेंडेंट रहते थे किसी भी चीज़ के लिए। अब क्योंकि इंडिया क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो हम सब कुछ डॉक्टर्स पे निर्भर नहीं रह सकते, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा स्टाफ चाहिए जो को अपन पैरामेडिकल बोल सकते हैं, जो कि डॉक्टर का भी असिस्ट करता है और एक तरह का कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द डॉक्टर्स एंड द पेशेंट। तो इसमें फार्मेसी एक बहुत अच्छा एक ऑप्शन है जो आप चाहते हो उसको लेने के लिए। फार्मेसी में बेसिकली हर चीज़ जो मेडिसिन से रिलेटेड है, दवा इस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, कैसे दवा बनती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, उसका एक्सपोर्ट कैसे हो सकता है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उसका उसका इन्वेंशन कैसे हो सकता है, नई नई सॉल्ट्स कैसे इजाद हो सकती है, उन सारी इंफॉर्मेशन को हम इस पर्टिकुलर कोर्स में मगअप करते हैं। ये 4 साल का कोर्स है, बैचलर इन फार्मेसी। इस पूरे 4 साल के दरमियान हम ये सारी इंफॉर्मेशन उस बच्चे को प्रोवाइड कराते हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म रहते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, क्योंकि ये बेसिकली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है तो सारे प्रैक्टिकल्स उसके साथ में एसोसिएटेड रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि पूरी इन्फॉर्मेशन मेडिसिन से रिलेटेड उस बच्चे के पास इस कोर्स के द्वारा पहुँचाई जा सकती है और यहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, फार्मेसी जाहिर सी बात है अगर कोर्स करते हैं तो उसके बाद उसका स्कोप क्या है, आखिर फार्मेसी के बाद क्या, इस कोर्स को पूरा करने के बाद क्या, इस सवाल का भी जवाब लेते हैं। आशीष माथुर साहब हमारे साथ हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट एंड पीआर भी हैं यहाँ पर। तो माथुर साहब, अगर इस फार्मेसी की बात तो इन्होंने बता दिया कि फार्मेसी में हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अगर एक छात्र फार्मेसी का ये कोर्स कर लेता है तो उसके बाद क्या। जी नमस्कार, मेरे ख्याल से जो बच्चे की क्वेरी थी वो ये चाह रहे थे कि फार्मेसी पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी में वो कन्फ्यूज्ड हैं, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा और समस्त जो यहाँ पे अभिभावक हैं और छात्र हैं कि जो भी कोर्स जो हॉस्पिटल से रिलेटेड है, तो ये तीनों कोर्सेज हॉस्पिटल से रिलेटेड है, उसमें फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स बहुत अच्छा है। जैसे आप और हम देख रहे हैं कि किस तरह से मेडिकल साइंस तरक्की कर रही है और मेडिकल इंडस्ट्री तरक्की कर रही है। आजकल जहाँ पे एक तरफ रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा खुल रहे हैं, वहीं पर मेडिकल फैसिलिटीज़ हर तरफ बहुत ज़्यादा खुल रही है। जयपुर की अगर हम बात करें तो पिछले 5 साल में यहाँ पे कम से कम 200 नए हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स आए हैं, और बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेज आज मेडिकल इंडस्ट्री में आ गए और डेली नित नए परिवर्तन उसमें हो रहे हैं। तो जिन तीनों कोर्सेज हैं, जो फार्मेसी फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल, तो डॉक्टर सिंह ने आपको फार्मेसी के बारे में बच्चों को बताया, पैरामेडिकल का कोर्स वो कोर्स है जो कि जितने भी टेस्ट हम कराते हैं हॉस्पिटल में जाके, जहाँ भी पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन होता है हॉस्पिटल में, वो पैरामेडिकल के कोर्स के बच्चों के साथ होता है। तो अगर हम पैथोलॉजिकल टेस्ट के लिए जाते हैं तो वहाँ पे पैरामेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे टेस्ट हमारे करते हैं। अगर हम हमारा ECG या हम CT स्कैन भी कराते हैं तो जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है वो सारा पैरामेडिकल की पढ़ाई करने के बाद आता है। जो हमारी कार्डियक सर्जरीज होती है, वहाँ पे कार्डियक परफ्यूजन एक बहुत बड़ा और बहुत सेंसिटिव कोर्स है, बहुत नीश कोर्स है, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल की ज़रूरत होती है, वहाँ पे पैरामेडिकल्स जो पैरामेडिक्स होते हैं उनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके अलावा जब हम फिजियोथेरेपी की बात करें तो हमारी जो आज की लाइफस्टाइल है और जो हमारे इतने ज़्यादा स्ट्रेस में हम जीते हैं और एक्टिविटी कम हो रही है, तो वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आज आपने देखा होगा कि जो भी सर्जरीज होती हैं उसके बाद डॉक्टर्स कहते हैं रिकवरी के लिए हमें फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता है। कोई भी स्प्रेन स्ट्रेन, हम एक मेडिकल एडवाइस लेते हैं फिजियोथेरेपिस्ट से। तो जो फिजियोथेरेपी का कोर्स है वो आपको मेडिकल में जो फर्स्ट ईयर में हम MBBS को पढ़ाते हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री एनाटॉमी फिजियोलॉजी, वो सारी चीज़ें एक फिजियोथेरेपिस्ट भी पढ़ते हैं और उनको पता होता है कि किस सेल की किस मसल की रिकवरी किस तरह से बेहतर तरीके से हो सकती है। तो इन तीनों कोर्सेज में, फार्मेसी फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल में,
फ्यूचर में प्लेसमेंट्स के लिहाज से अगर मैं देखता हूँ तो बहुत ब्राइट फ्यूचर है. जितने भी हॉस्पिटल्स हैं बड़े बड़े, जैसे हमारे अगर मैं निम्स यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो हमारे प्लेसमेंट्स जो होते हैं, मैक्स एक ग्रुप है, अपोलो ग्रुप है, डॉक्टर रेड्डीज के ग्रुप हैं, उन सब ग्रुप्स में आपका मेदांता हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट्स हमारे बच्चों के होते हैं. प्लस हमारे साथ सबसे बड़ा पॉइंट जो निम्स यूनिवर्सिटी के साथ है कि हमारे पास अपना एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, एक 1300 बेडेड हॉस्पिटल है जिसमें छोटे से छोटे ओपीडी और फिजिशियन के चेकअप के साथ साथ बड़े से बड़ा लिवर ट्रांसप्लांट का भी ऑपरेशन किया जाता है. तो जहाँ पे 1300 बेड है, जहाँ पे 1300 मरीज है, डेली 1000 मरीज वहाँ पे आता है, वहाँ पे इन बच्चों की जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है, पैरामेडिक्स कह लीजिए, फिजियोथेरेपिस्ट कह लीजिए, और जैसा सिंह साहब ने कहा फार्मेसिस्ट कह लीजिए, इन सबको जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देनी चाहिए वो हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है. और यही कारण है कि आज देश और विदेश में भी हमारे बच्चों का बहुत अच्छा प्लेसमेंट है और बहुत अच्छी अर्निंग वो कर रहे हैं. तो तीनों कोर्सेज में जो भी बच्चा ज्वाइन करता है उसको अपने फ्यूचर की इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स कभी चिंता नहीं करनी चाहिए. इंडस्ट्री बहुत ओपन है और नित नए उसमें ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं. चलिए अगले सपने की ओर. मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा. अंकित जिन्होंने ये क्वेरी करी थी वो ये भी पूछना चाहते हैं कि फार्मेसी और बीएससी नर्सिंग अगर वो ऑप्ट करते हैं तो उसमें फिर आगे क्या स्कोप है. स्पेसिफिकली यदि मैं बता दूं, बीएससी नर्सिंग जो है वो एक अलग स्ट्रीम है. यदि है, ये रिलेटेड सारे मेडिकल से रिलेटेड ही है, बट फार्मेसी का मतलब है बेसिकली रिलेटेड विद द एक्सक्लूसिवली मेडिसिन. दवा जहाँ पे भी होगी वहाँ पे फार्मेसिस्ट और फार्मेसी का नाम आएगा. नर्सिंग एक सर्विस सेक्टर का पार्ट है, वो सर्विस सेक्टर में यदि अपन आ सकते हैं तो बीएससी नर्सिंग करके उसमें आगे प्रोसीड कर सकते हैं. फार्मेसी बेसिकली दवा और मेडिसिन से रिलेटेड कोर्स है, ये टोटल 4 साल का, और इसमें खुद के काफ़ी स्कोप्स हैं, काफ़ी अपने इन दोनों ही के यदि अपन बात करें, अलग-अलग अलग अलग बात करें तो दोनों में काफ़ी सारे जो हैं स्कोप्स हैं. फार्मेसी का बेसिकली क्या है कि डॉक्टर्स और पेशेंट के बीच में कनेक्टिंग लिंक है. डॉक्टर्स के पास इतना नहीं होता, उन्होंने अपनी प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, उसके बाद में उसकी काउंसलिंग जो होती है, पेशेंट की काउंसलिंग, उसको कैसे लेनी है दवा, किसके साथ लेनी है, किसके साथ नहीं लेनी है, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन फार्मेसिस्ट बेटर तरीके से दे सकता है. इसीलिए ये कोर्स इसमें ईजाद हुआ है. इंडिया में यदि बाहर की बात करें तो हर एक डॉक्टर वहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है, उसके बाद उसकी डोज वेरिफिकेशन होना, कितनी डोज उसकी लेनी है, ये सारा काम फार्मेसिस्ट करता है. वो डॉक्टर्स सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन तक ही वहाँ पे सीमित रहता है और डायग्नोस करने तक सीमित रहता है. तो फार्मेसिस्ट जो होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है. तो जहाँ पे आपका इंटरेस्ट लगता है कि आपको इसमें जाना है, मेडिसिन के फील्ड में जाना है, तो आप बीफार्म कोर्स करके फार्मेसिस्ट की में आ सकते हैं. इसके अलावा फार्मेसिस्ट केवल यहाँ तक ही सीमित नहीं होता, वो क्लिनिकल एस्पेक्ट में भी है. यदि फार्म डी कोर्स की यदि बात करें, ये बेसिकली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा ये बनाया हुआ सिलेबस है इसका, और ये कोर्स है. इसमें एक स्टेप और आगे गया है, फार्मेसिस्ट क्लिनिकल एस्पेक्ट में भी एंटर कर सकता है फार्म डी कोर्स के बाद में. बीएससी नर्सिंग जो है सर्विस सेक्टर की तरफ अपन आगे बढ़ सकते हैं. बिल्कुल. उमंग, अब सपनों की बात कर लें. अब बच्चे कुछ अपने सपने बताएं, अगर आपके पास जो बच्चे मौजूद हैं कुछ अपनी ड्रीम्स शेयर करना चाहें कि भाई क्या वो सपना देखते हैं, आखिर कैसा हुन बनना चाहते हैं वो, क्या अपनी लाइफ को वो किस तरीके से एक मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उन बच्चों से बात करें. उमंग जी बिल्कुल. अभिषेक, मैं यहाँ पे जो हमारे सारे यंग गन्स बैठे हैं उनसे मैं उनके सपनों के बारे में कुछ पूछता हूँ. जी मैम, आपके कुछ ड्रीम्स के बारे में पहले अपना परिचय बता दें और उसके बाद फिर अपने ड्रीम्स के बारे में बताएं. मेरा नाम प्रिया सक्सेना है, मैं सांगानेर से आई हूँ और मैं एविएशन में जाना चाहती हूँ. एक्चुअली मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने बीकॉम किया है, बट मेरे को अभी रिसेंटली एविएशन में इंटरेस्ट है. मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं एविएशन में जो केबिन क्रू है और जो उनका उस जॉब का जो चार्म है, जो लाइफ होती है एविएशन जो ज्वाइन करते हैं उन लोगों की जो लाइफ होती है, I want to live that life and मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, ट्रैवल करना चाहती हूँ और बहुत जो भी एविएशन में जो भी उनको जो जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है मैं वो सब अपॉर्चुनिटीज़ चाहती हूँ कि मुझे मिले. और तो अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो, कुछ सवाल अगर इससे रिलेटेड आप पूछना चाहती हैं. एक्चुअली मैंने बीकॉम कर लिया है और ग्रेजुएट हो चुकी हूँ और इसके बाद अब मैं एविएशन में जाना चाहती हूँ, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि मुझे एविएशन ऑप्ट करना चाहिए क्योंकि मैं 3 साल पीछे चली जाऊंगी वापस अगर मैं एविएशन ऑप्ट करती हूँ तो. चलिए इस सवाल का जवाब ले लेते हैं. हमारे साथ डॉक्टर एसएस चौहान मौजूद हैं, डीन हैं और प्रिंसिपल हैं निम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर साइंस के. चौहान साहब, सवाल सुना आपने, एविएशन में कैरियर बनाना चाहती हैं ये, और सवाल इनका बहुत जानिब सा भी है कि 3 साल ये पीछे चली जाएंगे तो किस तरीके से इसको देखें. नमस्कार, मैं डॉक्टर चौहान. आप जो कह रहे हैं 3 साल पीछे चले जाएंगी, नहीं,
तीन साल पीछे नहीं, आप 30 साल और आगे के लिए जाएंगे, एविएशन मैनेजमेंट का स्कोप जो है ग्लोबली बहुत अच्छा स्कोप है। जो आपका ड्रीम है, मैं आपकी ड्रीम के अकॉर्डिंग बात करता हूँ, आपका ड्रीम है उड़ना। उड़ने के लिए जो आपको बेस सी है, यस, निम्स यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है। एविएशन मैनेजमेंट केवल उड़ने के लिए नहीं, केवल ग्राउंड के लिए नहीं, जितने भी हमारे पास में प्राइवेट और गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ सब में आपकी ज़रूरत आती है। फ्लाइट क्रू मेंबर, यस वी रिक्वायर मेंबर्स। एविएशन मैनेजमेंट का स्कोप ग्लोबली है, जो आपको स्कोप मिलेगा ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा। आप सीमित जयपुर के लिए सीमित नहीं होती है, आपको जो सीमित आपकी असीम सीमाएं आती है इसमें। ड्रीम आपका ख़त्म नहीं होगा, स्काई इज नॉट ए लिमिट। आपका ड्रीम वहीं पर ख़त्म होता है कि जब स्काई ख़त्म होगा। चलिए उमंग, कुछ गार्जियंस भी आपके साथ हैं, पेरेंट्स बच्चों के, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। अभी तक की बातचीत भी उन्होंने सुनी और अपने बच्चों को लेकर के कई सपने वो भी बुनते हैं कि भाई मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, बहुत उम्मीदें रहती हैं। और जब पेट काट करके एक बच्चे को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, जाहिर सी बात है तो उम्मीदें तो होनी भी चाहिए। तो कुछ गार्जियन से भी बात करें उमंग, उनकी ड्रीम्स क्या हैं अपने बच्चों को लेकर के। जी बिल्कुल अभिषेक, और एक पुरानी फिल्म का एक गाना भी मुझे ध्यान आ रहा है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, तो एक पापा से ही पूछते हैं कि वो क्या चाहते हैं अपने बच्चों के लिए। सर आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। सपने उनके, जी अपने बच्चों को लेकर के आपके सपने। नमस्कार, जब हमने नीम्स कैंपस में कदम रखा तो बहुत ही अच्छा वेलकम हुआ। नाम बता दें एक बार, उसके बाद फिर अपनी बात। मेरा नाम सत्यनारायण सिनवाल, मैं अपने बेटे आशुतोष के लिए आज ही आया हूँ। बेटे की इच्छा है बी फार्मा करने की, लेकिन जब हमने भास्कर में आपकी एग्जीबिशन ज्वाइन करी तो वहाँ हमें एक कोर्स के बारे में और जानकारी मिली, फार्मा डी। तो हम फार्मा डी के बारे में जानकारी लेने आए हैं आज, और उसके फ्यूचर के बारे में, नेक्स्ट यहाँ कौन कौन सी कंपनियां प्लेसमेंट के लिए आती हैं उनके बारे में जानने। अच्छा, वो भी जानकारी आपको मिलेगी। और अगर अपने बच्चे को लेकर के आपके सपने की बात करें जी, वो भी थोड़ा बता। बच्चा मेडिकल लाइन में जाए, यही मेरा एक सपना है, लोगों की सेवा करें। जी, लोगों की सेवा करें। चलिए, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं फार्मेसी से डॉक्टर आरपी सिंह साहब। आपने सुना कि फार्मेसी से इनकी जो सवाल है, तो इसका अगर जवाब। फार्मडी के बारे में, फार्मडी बेसिकली इनका कोर्स फार्मडी से रिलेटेड क्वेरी है। मैंने पहले भी बताया, फार्मडी एक बिल्कुल ही नया अलहदा कोर्स है जो कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने खुद ने से इसको डिजाइन किया है। उसका बेसिक मोटिव यही था कि कहीं फार्मेसिस्ट सिर्फ दवा तक सीमित नहीं हो जाए, बेसिकली उसका एक स्टेप और आगे जाएगा और वो पेशेंट की काउंसलिंग तक पहुंचता है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया, डॉक्टर्स इंडिया में खासकर देखा जाए तो इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है कि हम हर एक पेशेंट तक वो पहुंच सके। तो डॉक्टर बेसिकली उसने अपने पेशेंट का डायग्नोस कर दिया, फिर उसकी बेसिक काउंसलिंग जो होती है वो पेशेंट जो है फार्मासिस्ट के द्वारा ही होती है। और फार्मडी इसी चीज के लिए डिज़ाइन किया गया कोर्स है कि ये पूरा 6 साल का कोर्स है, जिसमें 5 साल हम जिसको थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन देते हैं और 6ठी साल जो होता है वो पूरा तरह से हॉस्पिटल में उसको डिवोटेड होता है। पूरा 1 साल वो हॉस्पिटल में रहेगा, हॉस्पिटल के हर एक डिपार्टमेंट में उसको 2-2 महीने की इसकी ट्रेनिंग होती है। फिजियो डिपार्टमेंट में हो गया, गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में हो गया, सर्जरी डिपार्टमेंट में हो गया, हर डिपार्टमेंट में 2-2 महीने उसकी वहाँ पर ड्यूटी रोस्टर बनाया जाता है। उसका बेसिक मोटिव यही है कि केवल दवा ही नहीं है, पेशेंट के पास जाकर के फार्मासिस्ट अपना काम करेगा। उसमें 2-5 जो चीज़ें मैं बताऊं आपको, जैसे कि मेडिसिन का सही सिंक्रोनाइजेशन कैसे होना चाहिए। कि अपन जानते हैं कि इंडिया में जैसे कि एंटीबायोटिक्स का बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है, उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि हम केवल पेशेंट को मेडिसिन लिखने के बाद उसको ध्यान नहीं रखते कि उस पर क्या इफेक्ट हो रहा है। इस केस में फार्मासिस्ट इस चीज़ को एक्सक्लूसिवली देखता है कि एक एंटीबायोटिक देने के बाद में अगले 7 दिन में उसके क्या इफेक्ट्स रहे। ये सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए क्लिनिकल हमें एस्पेक्ट्स चाहिए होती हैं कि पेशेंट के साथ में लगातार 7 दिन उसका प्रॉपर ऑब्जर्वेशन रहे और उससे एक्सक्लूसिव ये रिजल्ट निकाले कि ये मेडिसिन इसको आगे प्रोसीड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो कहने का मतलब है, दवा का एक बहुत गहन अध्ययन चाहिए इसके लिए, और दूसरा पेशेंट काउंसलिंग भी इसके साथ में एसोसिएटेड होती है। तो एक तरह का दोनों का एक अच्छा समागम होता है कि इसमें आपको पेशेंट की काउंसलिंग भी रखनी है और आपको पूरी नॉलेज भी होती है उस दवा के रिलेटेड। तो क्लिनिकल एस्पेक्ट्स में, जैसे कि अपन जानते हैं कि कोई भी दवा जब मार्केट में आती है तो उससे पहले कम से कम 15 या 20 साल उसको लगते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स होती है उसके उसके ऊपर में, और कई सारे पेशेंट पे उसकी टेस्टिंग करनी होती है। तो वो दवा वाकई में पेशेंट के लिए कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं दे रही है और वो वाकई में सेफ है कि नहीं है,
तो ऐसे इसके लिए कई सारे फेजेस होते हैं, फेज वन, फेज टू, फेज थ्री, ऐसे फेज वन ट्रायल्स चलती हैं। उन ट्रायल्स में हमें कुछ लिटरेट पर्सन चाहिए होते हैं जो कि सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है, कैसे क्लिनिकल ट्रायल्स करी जाती है और कैसे पेशेंट काउंसलिंग के उसकी रिकॉर्डिंग करी जाती है। ये सारे काम फार्मडी पेशेंट जो स्टूडेंट्स होते हैं वो करते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत फ्यूचर एस्पेक्टिव कोर्स है ये और काफी रेयर है, अभी इंडिया में बहुत कम जगहों पे ही है। और सबसे बड़ी इसकी रिक्वायरमेंट होती है कि वहीं कर सकते हैं जहाँ पे कि हॉस्पिटल होता है उनका, क्योंकि निम्स का खुद का हॉस्पिटल है। तो यही यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको, इस कोर्स को यहाँ पे रन कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर्स में सर इसके क्या आगे चांस रहेंगे? गवर्नमेंट सेक्टर में तो इस टाइम इंडिया में तो अवेयरनेस इतनी ज्यादा पहले नहीं थी किसी भी डिपार्टमेंट को लेकर के, लेकिन अभी इस टाइम गवर्नमेंट में बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, क्योंकि अभी आपने देखा होगा हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे एक ड्रग सेंटर बनाने की गवर्नमेंट की एक प्लानिंग है। ड्रग सेंटर में कौन लोग होंगे? वो फार्मासिस्ट होंगे, फार्मडी करे हुए होंगे, जो कि ड्रग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रखेंगे कि किस दवा से कितने लोगों पे कितना इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स हो रहा है, कौन सी दवा ज़्यादा सेफर एस्पेक्ट्स में आ रही है। तो ये सारी रिपोर्ट्स जो है, जो कि अब तो आपने पता होगा एक नया मंत्रालय भी बन गया, आयुष मंत्रालय, जो बेसिकली सारी इस चीज़ को देखता है, पहले ऐसा नहीं था। तो गवर्नमेंट सेक्टर में धीरे धीरे बहुत अवेयरनेस आ रही है मेडिकल सेक्टर को लेकर। थैंक यू सर। तो उम्मीद है कि आपकी जो क्वेरी थी, जो सवाल थे मन में, उसका जवाब आपको मिल गया होगा। उमंग, कुछ और सपनों की तरफ चलते हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, कुछ थोड़ा दूर के सपने हम तलाशने चलते हैं। एक हमारे मित्र एक बैठे हैं जी, आपका इंट्रोडक्शन। मेरा नाम श्रेयांश पारेख है, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मगर कन्फ्यूजन ये है कि कंप्यूटर साइंस में करना चाहिए या मैकेनिकल। चलिए इस सवाल का आपका जवाब ले लेते हैं। और सपनों की बात आपने नहीं की, ये चीज़ हम मिस कर गए, सपना आपका क्या है वो भी बता देते हैं। मेरे को इंजीनियर बनना है। अच्छा, इंजीनियर बनने का ही सपना है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो लोकेश, डॉक्टर लोकेश बंसल साहब हमारे साथ हैं, प्रिंसिपल है निम्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के। बंसल साहब, इंजीनियरिंग को लेकर के ये इनका एक क्वेरी है, तो इसका जवाब अगर मिल जाता। नमस्कार, बहुत अच्छा अच्छा सपना है आपका इंजीनियरिंग का, और उसमें दोनों ही ब्रांचेज अच्छी हैं, कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आज का जो टाइम आ रहा है डेट इज अ डिजिटल, तो उसमें कंप्यूटर में अगर जाएंगे तो डेट इज कम्प्लीटली डिजिटल। एंड मैकेनिकल में अगर आप बिलीव करते हैं कि मेरा आपका इंटरेस्ट किस में है, मैकेनिकल में है। मैकेनिकल में भी अगर बाइफरकेट करें तो उधर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग आ जाता है, एयरोस्पेस इंजीनियरिंग है एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसमें अगर आपका इंटरेस्ट मैकेनिकल में है तो अगर गाड़ी अगर आप डिजाइन कर रहे हैं तो डिजाइनिंग के लिए आपको अगेन डिजिटल की उसकी नॉलेज होनी चाहिए, वो सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आपका इंटरेस्ट, आपको लगता है कि आगे रिसर्च में भी जाना है और गवर्नमेंट सेक्टर का भी जॉब आपको चाहिए प्लस प्राइवेट भी आपके हाथ में रहे, तो उसके लिए मैकेनिकल फील्ड बहुत अच्छा है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे प्राइवेट सेक्टर में ही रहना है, एमएनसी कंपनी में जाना है, तो उसके लिए कंप्यूटर साइंस अच्छा है। दोनों ही ब्रांचेज अच्छी हैं, लेकिन अगर एक एवरग्रीन ब्रांच बोल के चलें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग दैट इज एवरग्रीन, उसमें एक लेवल का जॉब आपको हमेशा मिलेगा। कंप्यूटर आज के टाइम में काफ़ी अच्छा चल रहा है, लेकिन 2010 में अगर बात करें तो जब थोड़ा सा उसमें स्लम आया था। तो अगर ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सॉफ्टवेयर रिलेटेड कितना इंटरेस्ट है। अगर आपको लगता है मशीन के साथ में काम करना है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे प्रोग्रामिंग करनी है, कंप्यूटर मेरे को अच्छा लगता है, लैपटॉप अच्छा लगता है, लॉजिक बेस्ड आपको काम करना अच्छा लगता है, देन यू कैन गो टू कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में देयर इज नो लिमिट, अगर आप डिजाइनिंग फील्ड में जाते हैं तो उसमें आप काफ़ी आगे तक, अर्निंग का उसमें कोई लिमिट नहीं है। इनफैक्ट मैकेनिकल में भी अगर आप सपोज वी वांट टू डिजाइन सम न्यू कार या उसको कोई नया मॉडल कोई डिजाइन करना है, तो फर्स्ट उसका जो डिजाइनिंग होगा वो सॉफ्टवेयर से, एनसे सॉफ्टवेयर है या अदर कोई दूसरा सॉफ्टवेयर है, उस पर उसकी डिजाइनिंग होगी, टेस्टिंग होगी, तो सारा पहले उसका सिमुलेशन उसका किया जाएगा, तो वो कंप्यूटर के थ्रू ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग करें तो वहाँ कंप्यूटर नहीं आ रहा है, कंप्यूटर तो वहाँ भी आ रहा है, लेकिन एक ऐसा हो गया है कि भाई कंप्यूटर साइंस ले लिया तो उसमें सिर्फ प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग है। तो आप दोनों फील्ड बहुत अच्छी हैं, डिपेंड करता है कि आपको हार्ड कोर अगर बनना है, गवर्नमेंट जॉब को भी अगर आपको माइंड में रखना है देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग बेटर। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो एमएनसी में ही जाना है, मुझे तो अब्रॉड में जाके वर्क करना है, देन यू हैव मोर अपॉर्चुनिटी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। अगर डिजाइनिंग में अगर आप मैकेनिकल चूज कर लेते हैं, मैकेनिकल में अगर डिजाइनिंग फील्ड में जाते हैं, तो वहाँ भी देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन मैकेनिकल प्लस इफ यू लर्न सम सॉफ्टवेयर्स इन मैकेनिकल। चलिए
उमंग कुछ और सपने मदर्स के सर कुछ उमंग जी कुछ सपना जी जी बोलिए सर इट ईश्वर सिंह फ्रॉम आमेर सर आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम शंकरा कॉलेज आई हैव कंप्लीटेड बीबीए नाउ आई माय ड्रीम इज टू बिकम एचआर सो सर आई एम कंफ्यूजिंग दैट व्हाट आई शुड डू बिकॉज सर इन माइंड आई हैव टू डू दैट एचआर बट एट माइंड आई एम कंफ्यूजिंग दैट विच ब्रांच आई हैव टू डू मोर दैट आई कैन प्लेस गुड इन कंपनी डॉक्टर एस एस चौहान साहब इसका जवाब तो आप दें तो बेहतर हो बीबीए करने के बाद में आप चूज करते हैं एमबीए एंड एमबीए विद सुपर स्पेशलाइजेशन विद एचआर मैनेजमेंट क्योंकि आप मैनेज करना चाहते हैं रिसोर्सेज को मैनेज करना चाहते हैं एक इंसान को मैनेज करना चाहते हैं इंसान मैनेज कैसे होगा किस कंपनी में होगा क्योंकि हम बात करते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड की ठीक है एमबीए करके एचआर में एमबीए करके हमारे को जो जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है वो बहुत वाइल्ड स्कोप के साथ मिलती है एचआर मैनेजमेंट मगर निम्स यूनिवर्सिटी आपको एचआर के साथ साथ क्योंकि ड्यूअल स्पेशलाइजेशन कोर्स है आपकी स्पेशलाइजेशन केवल एचआर नहीं रहती हम आपको एचआर के साथ मार्केटिंग एचआर के साथ फाइनेंस या प्रोडक्शन अगर जैसे आपने बीबीए किया है बीबीए में अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कोप फाइनेंस के साथ बेहतर था या ऑपरेशन के साथ बेहतर था तो हम ड्यूअल स्पेशलाइजेशन देते हैं एचआर विद मार्केटिंग एचआर विद फाइनेंस या अकाउंटिंग जिसमें भी आपका इंटरेस्ट होता है तो सीमित आपके जो एचआर की बात कर रहे हैं एचआर अपने आप में बेहतर है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर आपको एचआर की जरूरत आएगी ही आएगी क्योंकि आप प्लान करते हैं मैनेजमेंट स्टार्ट होता है प्लानिंग से खत्म होता है एग्जीक्यूशन पर मेन जो रोल होता है एचआर का वो होता है प्लानिंग आप कहाँ प्लान करेंगे किस लिए प्लान करेंगे जैसे हम बात करते हैं स्कोप कहाँ होगा कैसे होगा कौन करेगा किस तरह से करेगा कब करेगा ये सारे जो WH क्वेश्चन है वो आपको MBA के साथ में कंप्लीट होते हैं चलिए उमंग यहाँ माँ कुछ मौजूद है हमारे साथ उन माओं से बात करना बहुत जरूरी है इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई अपने बच्चों से उम्मीद रखता है तो वो माएं ही होती हैं तो एक बार जरा माओं के सपने के बारे में भी बात करें उमंग चलते हैं कुछ मम्मी हमारे साथ बैठी हुई है मम्मीज के पास हेलो मेरा नाम सरोज सोनी है जी। मैं अदिति सोनी के लिए आई हूँ ये मेरी बेटी है इसने 12th क्लियर किया है अभी तो ये इसका सपना है या मेरा भी सपना है ये IPS बने और ये कंफ्यूज है कि मम्मी मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इसके लिए कुछ चलिए इसका जवाब हमारे साथ डॉक्टर मंजू कुलवाल हैं डीन एंड प्रिंसिपल नीम्स स्कूल ऑफ लॉसे हैं आपने सवाल सुना मैडम अब इसका जवाब नमस्कार आपके बेटी का ड्रीम और आपका ड्रीम रियली बहुत अच्छा है अप्रिशिएबल है IPS बनने के लिए 12th के बाद आप यदि लॉ कोर्स को चूज करते हैं तो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा निम्स यूनिवर्सिटी में निम्स स्कूल ऑफ लॉ में हमारे पास BA LLB और BBA LLB ये दो कोर्स चल रहे हैं ये इंटीग्रेटेड कोर्स हैं और 5 years के हैं यदि आप केवल ग्रेजुएशन करने के बाद IPS का एग्ज़ाम देते हैं तो आप उसमें उतना सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है लेकिन यदि आप लॉ करके 5 years करके और यदि IPS के लिए एग्ज़ाम देते हैं कॉम्पिटिटिव तो आपको बहुत हेल्पिंग होगा क्योंकि लॉ के बहुत सारे पेपर्स आपके सिविल सर्विस में और आपकी अदर सर्विसेज में आते हैं हमारा जो कोर्स करिकुलम जो बनाया गया है 5 years के लिए वो बड़ा क्लिनिकल मेथोडोलॉजी से बनाया हुआ है हम लोग उसमें लॉ के साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी देते हैं उसमें हम लोग पुलिस का रोल इसके अलावा काफ़ी सारे पेपर्स जैसे कि क्रिमिनल पेपर्स IPC और अदर पेपर्स की स्टडी कराते हैं वो आपके लिए बहुत हेल्पिंग होंगे चलिए और आप अपने ड्रीम को फुलफिल करने में बहुत आगे बढ़ जाएंगे उससे जी उम्मीद है कि आपकी आपका जो सवाल था उस सवाल का मुकम्मल जवाब आप तक पहुँच गया होगा कुछ और माएँ भी हमारे साथ उनके भी सवाल जाहिर सी बात है मन में होंगे उनके भी सपने जो हैं अपने बच्चों को लेकर के उनके भी यहाँ पर होंगे तो उन सपनों को आप लोगों के से निवेदन है कि उन सपनों को आप इस मंच पर रखें मैं लीना शर्मा मैं अपने बेटे समझ शर्मा के लिए आई हूँ उसका इंटरेस्ट डॉक्टर बनने का है और हमने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है और वो अगर कह रहा है तो हमें भी यही है कि वो डॉक्टर बने लेकिन उसके लिए अभी जरूरी नहीं है कि एडमिशन मिल ही जाएगा तो उसके लिए हम वेट कर रहे हैं और बायोलॉजी में और कौन कौन से स्कोप हो सकते हैं इसका हम स्टडी कर रहे हैं
कि इन केस अच्छा, नहीं हो तो क्या करें? बच्चे के सपने के बारे में तो आपने बता दिया, आपके सपने के भी बारे में बता देती तो बहुत अच्छा रहता। हमारा भी यही है कि वो भी अच्छा डॉक्टर बने। अच्छा, तो आप डॉक्टर बनाना चाहती हैं अपने बेटे को। बहरहाल तो हमारे साथ यहाँ पर दीप्ति रुस्तगी जी हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार हैं एडमिशन्स में। मैम, इस सपने का जवाब अगर आप देती तो। बहुत ही खूबसूरत सपना है आपका, और बहुत सारे लोग ऐसा सपना देखते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, लेकिन किसी भी वजह से अगर उसको MBBS की सीट नहीं मिल पाती है या वो नहीं ले पाते हैं, तो इसके बाद भी मेडिकल लाइन में और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और सबसे खुशी की बात ये है कि निम्स के पास वो सारे ऑप्शंस हैं। आप बिल्कुल सही जगह आए हैं अगर आप इस सोच के साथ आए कि मेडिकल लाइन में हम और क्या क्या कर सकते हैं। मेडिकल में डेंटल सर्जरी भी आता है जिसमें आगे बच्चा जा सकता है। इसके साथ साथ जैसे अभी कुछ देर पहले बात हुई पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, पैरामेडिकल कोर्सेज में भी अपने आप हमारे पास कम से कम 18 कोर्सेज हैं। इसके अलावा BPT है, फिजियोथेरेपी का कोर्स है, फार्मेसी लाइन में 4 कोर्सेज हैं, आप किसी में भी जा सकते हैं। BPT के साथ एक बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी एक कोर्स है जिसमें भी आप जा सकते हैं। इसी तरह से आप नर्सिंग में जा सकते हैं, नर्सिंग का भी आपके पास है, तो नंबर ऑफ कोर्सेज है। इसके अलावा बायोफील्ड में ही अगर आप जाना चाहते हैं फर्दर, बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, इसमें बायोटेक्नोलॉजी में BSc, अदर BSc कोर्सेज, ये सभी उसमें हैं। अगर मेडिकल लाइन में जाना चाहें तो वी हैव ऑल द कोर्सेज। इस टॉक शो के जरिए आपको ये भी पता चलेगा कि क्या क्या कोर्सेज हैं, उनकी एलिजिबिलिटीज क्या क्या है, और अगर स्टूडेंट साथ में आए हैं तो उनका कोर इंटरेस्ट क्या है, जब उनकी प्रतिभा भी बहुत ज़रूरी है वो जानना। हर माँ बाप सोचेंगे डॉक्टर बने तो बाकी फील्ड्स में लोग काम कैसे करेंगे, क्योंकि बाकी प्रतिभाओं को जानना भी बहुत ज़रूरी है। इंडिविजुअल स्टूडेंट क्या चाहता है और क्यों चाहता है जी। तो हमारा वही जो ड्रीम है कि मेरा ड्रीम क्या है, डॉक्टर बनना ड्रीम है, लेकिन उसके साथ में अगर हम वो नहीं बन पाते हैं या एक ड्रीम हमारा किसी भी वजह से नहीं पूरा हो पाता है, तो सेकंड ऑप्शन में भी हमारा ये रहता है कि हम आगे क्या करेंगे, हम डॉक्टर बनके क्या बनना चाहते हैं। तो ये जरूरी है बच्चे के समय से जानना। और जी ये माइक तुम तक पहुंचा दें। जी सर बोले। माय सेल्फ जय किशन शर्मा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ बीटेक ये बायोटेक्नोलॉजी एंड BSc बायोटेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी और BSc बायोटेक्नोलॉजी के बीच का डिफरेंस। डॉक्टर लोकेश बंसल साहब हमारे साथ हैं, सर इसका जवाब। ये दोनों ही ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं, लेकिन जो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी है उस दैट इज मोर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट वे, एंड जो BSc बायोटेक्नोलॉजी है वो दैट इज 3-year प्रोग्राम एंड बीटेक दैट इज द 4-year प्रोग्राम। तो उसमें बच्चे को 4 साल के उसमें एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो मिलना चाहिए वो कंप्लीट मिल जाता है, प्लस BSc 3-year का इसलिए वहाँ पर उतना नहीं मिल पाता है। एंड बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में एक हमारे 6 month की समर ट्रेनिंग भी होती है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, तो उसको वहाँ पर इंडस्ट्री का एक्सपोजर भी दिया जाता है बीटेक में। तो ये बीटेक का फायदा है कि वहाँ पर एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज़्यादा मिल रहा है कंपेरेटिवली टू द BSc। बट बोथ आर अच्छा, प्लेसमेंट का कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए सर तो इसमें क्या डिफरेंस। हाँ, तो उसमें बिकॉज दिस इज बीटेक इज 4-year कोर्स, तो वहाँ बच्चे का एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पर प्लेसमेंट के जो उनकी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं वो भी वहाँ पर मोर ज़्यादा हैं comparatively to the BSc। चलिए इसी सवाल का जवाब हम आशीष माथुर जी से भी लेते हैं। आशीष माथुर जी, अगर प्लेसमेंट के दोनों दो कोर्सेज के बारे में अंतर तो हमें पता चल गया, अगर प्लेसमेंट के कॉन्टेक्स्ट में इसमें बात करें कि क्या डिफरेंस है फ्यूचर में, तो इसे कैसे समझें? देखिए बीटेक बायोटेक्नोलॉजी और BSc बायोटेक्नोलॉजी की अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो ये दोनों हैं तो ग्रेजुएशन कोर्स, पर एक है टेक्नोलॉजी और प्रोफेशनल डिग्री। तो जहाँ पर बीटेक बायोटेक्नोलॉजी वाले का फ्यूचर के एस्पेक्ट की बात करें, जो भी फार्मेसी कंपनीज हैं, जो भी रिसर्च ओरिएंटेड कंपनीज हैं, वो उनको हाथों हाथ अपने यहाँ पे लेती हूँ, क्योंकि रिसर्च ओरिएंटेड काम बहुत ज्यादा बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कराया जाता है एज कम्पेयर टू BSc बायोटेक्नोलॉजी। जैसे डॉक्टर बंसल ने आपको बताया, चूंकि 3 साल में थ्योरिटिकल नॉलेज ज्यादा दी जाती है और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में प्रैक्टिकली उसको समझाया जाता है, प्लस जो हमारे क्यूरिकुलम का पार्ट है इंडस्ट्रियल विजिट्स और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जो 6 महीने के इंटर्नशिप की हम बात कर रहे हैं, उससे बच्चे को एक्चुअल में पता चलता है कि कॉर्पोरेट्स में, कंपनीज में, जो रिसर्च की कंपनीज है, फार्मा रिसर्च हुआ, DNA रिसर्च हुआ, डेयरी फार्मिंग का रिसर्च हुआ, आजकल ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी चल रही है, फूड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, वो सारा का सारा कोर्स बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाया जाता है। तो फूड इंडस्ट्री की कंपनीज, डेयरी प्रोडक्ट्स की कंपनीज,
डीएनए की, सीआरओस, फार्मेसी कंपनीज, इसमें बीटेक बायोटेक्नोलॉजी वाले के लिए बहुत अच्छा स्कोप है और बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है। तो जैसे कंपनीज हुई आपकी रैनबैक्सी, सन फार्मा, एक फ्लरिश फूड्स बहुत बड़ी कंपनी है, और जितनी भी डेयरी की कंपनीज है पूरे इंडिया में, वहां पे बीटेक बायोटेक्नोलॉजी वालों को प्रायोरिटी दी जाती है बनिस्पत बीएससी बायोटेक्नोलॉजी वाले। चलिए कुछ और सपनों की तरफ बढ़ते हैं, अगर आप में से कोई अपने सपनों के बारे में या कुछ क्वेरीज हैं, सबसे पहले तो अपना सपना, अपना नाम बताएं, फिर अपना सपना बताएं, और अगर कुछ क्वेरीज हैं तो वो भी बताएं। हाय, मैं, मेरा नाम विक्रम शर्मा है, मैं एक बीटेक ग्रेजुएट हूं और मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है। मेरा सपना जनता की सेवा करना है, इन टर्म्स ऑफ सिविल सर्विसेज गवर्नमेंट सेक्टर से मैं जुड़ना चाहता हूं। मेरा यहां पे आना इसलिए हुआ, मेरा जो रुझान है वो टैक्सेशन और लॉ की तरफ भी है, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि उसमें एमबीए करना ज़्यादा सही रहेगा या फिर एलएलबी करके, क्योंकि अगर एमबीए करते हैं वो एक अलग डिपार्टमेंट है, वो 2 ईयर्स कोर्स है, और अगर एलएलबी करते हैं तो इतना टाइम आप पीछे जाना और फिर उसके बाद क्या स्कोप होना, तो इसके बारे में। अच्छा, डॉक्टर मंजू कुलवाल जी से इसका जवाब लेना चाहेंगे। मैम, चूँकि एलएलबी से जुड़ा मामला है, एमबीए से भी जुड़ा मामला है, तो आप जवाब दे दीजिए इसका। देखिए, एलएलबी एक ऐसा कोर्स है जिसको करने के लिए कोई उम्र पाबंदी नहीं है, और मैं तो ये कहूँगी कि हर व्यक्ति को, हर नागरिक को लॉ जानने का हक भी है और उसकी ड्यूटी भी है। अभी एजुकेशन पॉलिसी 2019 बनाई है एचआरडी मिनिस्ट्री ने, उस पर सजेशंस भी मांगे हैं, और निम्स यूनिवर्सिटी का निम्स स्कूल ऑफ लॉ एक सजेशन भी देने जा रहा है कि क्यों नहीं स्कूल लेवल से ही सामान्य कानून की जानकारी दे दी जाए और उनका जो एप्टीट्यूड है वो भी पता कर लिया जाए, ताकि आप जैसे लोग जो डाइसी हो जाते हैं वो डाइसी ना होकर ओनली एंड ओनली लॉ के बारे में ही सोचें। लॉ आपको करने के लिए पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जब से लॉ स्टार्ट करेंगे 3 साल में पूरा कर लेंगे। और आप टैक्स का प्रैक्टिस करने के बारे में कह रहे हैं, तो टैक्सेशन की प्रैक्टिस बिना लॉ के आप नहीं कर पाएंगे। यदि आपने एमबीए भी कर लिया और फिर भी टैक्स के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको लॉ तो करना ही पड़ेगा। आज आप देख रहे होंगे जीएसटी नया आ गया, पहले टैक्स रिटर्न है, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, आदमी खुद भी भर सकता है, लेकिन इसकी जानकारी तभी भरेंगे जब आपको लॉ की जानकारी होगी। तो मेरा ये आपसे व्यक्तिगत कहना है कि आप लॉ करने के बारे में एक सिंगल मानस बनाइए, और मैं आपसे फिर ये कहूँगी, 1, आप लॉ करिए, 2, निम्स से ही करिए। अब सवाल उठता है निम्स से क्यों करें, निम्स से लॉ करने के पीछे एक मकसद है मेरा, हमने जो कोर्स कैरिकुलम डिज़ाइन किया है वो हमारा मन मर्जी का नहीं है, दैट इज़ फॉलोड बाय द BCI, कुछ सर्टेन रूल्स हैं, और BCI के रूल्स के साथ हमने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को बहुत इम्पोर्टेंस दिया है। हम लोग अपनी ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, मूट कोर्ट, कोर्ट विजिट्स, जेल विजिट्स और कई प्रकार के विजिट्स समय समय पर करवाते रहते हैं, और आप जब LLB करेंगे हम आपको फर्स्ट ईयर के दौरान ही किसी टैक्स कंसल्टेंट के पास इंटर्नशिप करने भेज देंगे, ताकि आपको साथ साथ ही आपका जो ड्रीम है उसको पूरा करने का रास्ता भी मिल जाएगा, और उस रास्ते पर आप निकल पड़ेंगे। आप जब 3 साल पूरा कर लेंगे तो आपका अपना कोई प्रैक्टिस हाउस क्रिएट हो जाएगा और आप अपने जूनियर्स भी रख पाएंगे। चलिए, तो उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आएंगे और बात उन्हीं सपनों की होगी जिन्हें हम पंख देने की कोशिश कर रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला के लिए मशहूर राजस्थान यूं तो अपने राजसी वैभव और शौर्य के लिए विश्व विख्यात है, साथ ही यहाँ की सांस्कृतिक विरासत के लिए भी देश और दुनिया में जाना जाता है। राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत संभाले ऐसा ही एक शहर है जोधपुर, जो कि थार रेगिस्तान के किनारे स्थित है। ये शाही शहर रेगिस्तान के खालीपन में प्राचीन काल की कहानियों के साथ गूंजता है, और जोधपुर में स्थित है भारत के विशालतम किलों में से एक मेहरानगढ़ किला। इसका निर्माण 1460 में राव जोधा ने किया था। यह किला शहर से 410 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और मोटी दीवारों से संलग्नित है। इसकी सीमा के अंदर कई सारे पैलेस हैं, जो विशेषतः जटिल नक्काशी और महंगे आंगन के लिए जाने जाते हैं। इस किले में कुल 7 दरवाजे हैं, जिनमें जयपाल गेट का भी समावेश है, जिसे महाराजा मैन सिंह ने जयपुर और बीकानेर की सेना पर मिली जीत के बाद बनाया था। फतेहपाल गेट का निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने मुगलों की हार की याद में बनाया था। हम आपको बताएं कि किले पर पाए जाने वाले हथेली के निशान आज भी हमें आकर्षित करते हैं।
मेहरानगढ़ किले का म्यूजियम राजस्थान के बेहतरीन और सबसे प्रसिद्ध म्यूजियम में से एक है। किले के म्यूजियम के एक विभाग में पुरानी शाही पालकियों को भी रखा गया है, जिनमें विस्तृत गुंबददार महाडोल पालकी का भी समावेश है, जिन्हें 1730 में गुजरात के गवर्नर से युद्ध में जीता गया था। ये म्यूजियम हमें राठौड़ की सेना, पोशाक, चित्र और डेकोरेटेड कमरों की विरासत को भी दर्शाता है। इस किले के भीतर बहुत ही बेहतरीन चित्रित और सजे हुए महल भी हैं, जिनमें मोती महल, फूल महल, शीश महल, सिले खाना और दौलत खाने का समावेश है। साथ ही किले के म्यूजियम में पालकियों, पोशाकों, संगीत वाद्य, शाही पालनों और फर्नीचर को रखा गया है। किले की दीवारों पर तोपे भी रखी गई हैं, जिससे इसकी सुंदरता को और शान को चार चांद लग जाते हैं। राजसी वैभव राजस्थानी संस्कृति को अगर आप नजदीक से निहारना चाहते हैं, तो अतिथि देवो भव की संस्कृति के शहर जोधपुर अवश्य पधारें। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका और बात हो रही है सपनों की। न्यूज इंडिया में यह खास कार्यक्रम आप देख रहे हैं माई ड्रीम्स, प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। युवाओं को हम मौका दे रहे हैं कि वो अपने सपनों को आपके साथ साझा कर सके, और अगर उन सपनों से जुड़े कुछ सवाल हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उन सवालों का भी जवाब देते चलें। तो मेरे साथ कुछ मेहमान हैं, यंग गन्स हैं, उनके गार्जियंस हैं, कुछ बच्चे हैं, उनके माता पिता हैं, तो एक बार सीधा रुख करते हैं उनकी तरफ। सीधा, सपना क्या है आपका? माय नेम इज संदीप एंड आई एम बिलोंग फ्रॉम जयपुर एंड माय ड्रीम इज गो फॉर एमएनसी कॉर्पोरेट इन मैनेजमेंट एंड आई लिटिल अबाउट कंफ्यूज फॉर कि एमबीए मतलब कि मार्केटिंग से करना चाहिए, फिर जैसे आजकल पीजीडीएम कोर्स काफ़ी सारे आ रहे हैं एंड मतलब जैसे मार्केट ने काफ़ी ग्रोथ की है, मतलब टेक्नोलॉजी चेंजेस काफ़ी आए हैं, तो मतलब कि सिंपल एमबीए करना चाहिए या फिर जो फ्यूचर ओरिएंटेड कोर्स है वो करना चाहिए? चौहान साहब, एमबीए हम एक जमाने में बात करते थे एमबीए मार्केटिंग, एमबीए फाइनेंस, मगर आज हम बात करते हैं एमबीए रिटेल, एमबीए इंश्योरेंस, एमबीए बैंकिंग। तो जो आपका स्पेसिफिक जो हब कह रहे हैं, मेरा सपना है किसी रिटेल चेन को लेना, तो रिटेल चेन के लिए हम आपको कहेंगे, सजेस्ट करेंगे एमबीए रिटेल मैनेजमेंट, एमबीए इंश्योरेंस मैनेजमेंट, एमबीए फाइनेंस मैनेजमेंट, स्पेसिफिकली जाएं आप कोर एमबीए। मगर हाँ, क्योंकि निम्स यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर आपको ड्यूल सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन साथ में, तो आप केवल रिटेल में नहीं जाएंगे, आप रिटेल के साथ साथ हो सकता है फार्मा मैनेजमेंट में जाएं, हो सकता है आप हेल्थ एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट पर जाएं, हो सकता है आप आईटी मैनेजमेंट पर जाएं, वो आपको चूज करना है एमबीए विद रिटेल मैनेजमेंट विद आईटी स्पेशलाइजेशन। चलिए, तो उम्मीद है कि आपके सपने का जो सवाल था वो हमने पूरा किया। अच्छा, एक छोटा बच्चा भी आप लोगों के बीच हमें बैठा नजर आ रहा है, एक बार उस, क्योंकि सपना तो सपना होता है, क्या बच्चा और क्या बड़ा, हमारे भी सपने हैं, आपके भी सपने हैं, जितने लोग टीवी के सामने बैठे हैं, हर किसी का कोई ना कोई सपना होगा, तो उस बच्चे के पास एक बार चलते हैं। बेटा, आपका नाम क्या है, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, ये बताइए, और उसके बाद अपने सपने के बारे में कुछ बताइए हमें। मेरा नाम मानव है, मैं क्लास 7th में पढ़ता हूँ और मुझे साइंटिस्ट बनना है। क्या बात है, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, ये तालियों के साथ इनके इस सपने का स्वागत जरूर होना चाहिए, और हमारी शुभकामनाएं इस बच्चे के साथ है कि आप साइंटिस्ट बनेंगे और आप इस देश का नाम जो है वो भी आगे बढ़ाएंगे। चलिए अगले सपने की ओर बढ़ते हैं, कुछ उस बच्चे के आस पास में कुछ गार्जियंस भी नजर आ रहे हैं। सर, कुछ अपने सपने के बारे में बताइए, अपने बच्चों के बारे में बताइए, कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें आपने पूरा किया, कुछ ऐसे जिन्हें जो अधूरे रह गए और बच्चों को लेकर के वो पूरा करना चाहते हैं। सर, मेरा नाम देवेंद्र राजपूत है, सर मैं ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हूँ। सर, मेरा सपना है कि मैं न्यायिक मजिस्ट्रेट बनूँ, तो सर इसी के रिलेटेड मैं सर लॉ कोर्स करना चाहता हूँ, लेकिन सर मेरे सपने को पंख नहीं मिल रहे, मैं डगमगा रहा हूँ कि अगर मैं सफल नहीं होता हूँ तो लॉ में कोई ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ मैं अपना करियर बना सकूँ। चलिए इसका जवाब ले लेते हैं, मंजू कुलवाल जी हमारे साथ हैं। मंजू मैडम, कुछ इसका जवाब? आपको डगमगाने की जरूरत नहीं है, कानून जानने के बाद डगमगाने वालों को रोकना पड़ता है, तो आप तो न्यायिक मजिस्ट्रेट बनने के सपना देख रहे हैं, आपने ये बात सोचा कि मैं न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं बनूं तो क्या होगा? एलएलबी करने के बाद, एलएलबी करने के बाद आपके पास एम्पल अपॉर्चुनिटीज है, यहाँ कोई सीमा नहीं है। आज आप कल्पना करें किसी भी प्राइवेट सेक्टर की या फिर पब्लिक सेक्टर की, वहाँ एक लॉ ऑफिसर का नेम बोर्ड लगा देखा होगा,
क्या आपने कभी देखा कहीं भी जहाँ कोई लॉ ऑफिसर नहीं हो, बिना कानून के कोई समाज, कोई स्थान, कोई राज्य, कोई देश चल पाया है? इसका मतलब हर स्थान पर न्यायिक अधिकारी की जरूरत पड़ती है, भले वो लीगल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में ना सही, वो विधिक सलाहकार, लीगल ऑफिसर, लीगल असिस्टेंट, वाट एवर यू कैन से डेजिग्नेशन कुछ भी हो, लेकिन लॉ करने के बाद आपके पास इतने अवसर मिलेंगे कि आप सोचेंगे कि मैं क्या करूं, क्या ज्वाइन करूं और क्या ज्वाइन नहीं करूं। मान लीजिए आपने आरजेएस का एग्ज़ाम दिया एलएलबी करने के बाद और वह नहीं हुआ, आप उसके बाद एलएलएम भी कर सकते हैं। हमारे नीम्स यूनिवर्सिटी में एक साल का एलएलएम है जो कि अप्रूव्ड बाय द यूजीसी है, उसके बाद आप पीएचडी करके लेक्चरशिप ले सकते हैं। वो एक बहुत अच्छा एकेडमिक फील्ड है जिसमें कि आपको बहुत अपार संभावनाएं हैं, आप अपने ज्ञान को आगे बांट सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यदि मान लीजिए मजिस्ट्रेट नहीं बने तो आप खुद मजिस्ट्रेट के चैम्बर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपने सुना होगा बहुत कई लोगों को, कई अच्छे एडवोकेट्स को हाईकोर्ट जज बनने तक का अवसर दिया गया पर उन लोगों ने रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा हम किसी सीमा में नहीं बंधेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस की लिमिट कोई नहीं है। प्रैक्टिस करने वाले व्यक्ति आसमान को छुएगा, वो अपने व्यूज, अपने लीगल इंटरप्रिटेशन से देश को और कानून को नई दिशा देगा। चलिए, मतलब सपनों के पंखों को रोकने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, उड़ने दीजिए, दीजिए और खुले आसमान में उड़िए। चलिए अगले सपने की तरफ कुछ चाहेंगे। माइक को आप थोड़ा गार्जियंस के पास करें। जी हेलो। जी मेरा नाम दीपक भाटिया है। जी मैं अपने बेटे दिव्य भाटिया के लिए यहाँ पर आया हूँ और एक्चुअली हमारा सपना है कि ये बीटेक कोर्स करे, लेकिन बीटेक के साथ साथ बीटेक में कोई ऐसा फील्ड जो हमारे नॉलेज में नहीं है वो हम जानना चाहते हैं, जैसे एविएशन हो या सम अदर, ऐसा कुछ हो तो बताइए। अच्छा चलिए, लोकेश बंसल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोकेश साहब, इसका जवाब चाहेंगे आपसे। जी, बीटेक एक टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्स है, उसमें कई सारे प्रोग्राम्स बीटेक के अंदर हैं, कोर्सेज हैं, जैसे काफ़ी उन्होंने पूछा था कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, इसके अलावा अगर आप बात करें तो एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, एयरोस्पेस है, अगर और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में कम्युनिकेशन है, मैकेनिकल है, सिविल है, तो कोर्सेज कोई भी ख़राब नहीं है, सही है उसमें, अगर लेकिन ये है कि वो अपडेटेड है कि नहीं आज के अकॉर्डिंग। जैसे अगर आप निम्स यूनिवर्सिटी में बात करें तो हम यहाँ पर बीटेक कंप्यूटर साइंस में भी दे रहे हैं, मैकेनिकल, एयरोस्पेस, तो कंप्यूटर साइंस में स्पेशलाइज, वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग द स्पेशलाइजेशन इन पाइथन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी, एम्बेडेड सिस्टम, रोबोटिक्स, देयर आर लॉट मेनी फील्ड्स इन दैट वी आर प्रोवाइडिंग द स्पेशलाइजेशन। तो अभी बच्चों को ये सोचना है कि उसका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, और जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है उसमें उसको आगे बढ़ने के लिए फिर उसमें एक चीज़ उसको पकड़ लेना है, उसी को बढ़ के आगे बढ़ना है। अभी कभी कई बार मैंने सुना है सोसाइटी में लोग कहते हैं कि इंजीनियरिंग का कभी कभी डाउनफॉल आ रहा है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, आज भी अच्छा है और आने वाले टाइम में भी इंजीनियरिंग का इसको बहुत अच्छा आने वाला है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड की बात करें तो अभी हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट, वी आर यूजिंग सो मेनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इन दिस रूम आल्सो, मोबाइल फ़ोन ले लीजिए, लैपटॉप ले लीजिए, उनका जो मेन है प्रोसेसर पार्ट, तरह से हार्ट, तो ऑल आर मैन्युफैक्चर बाई एब्रॉड इन जापान, कोरिया, चाइना इनफैक्ट आल्सो। सो अभी हम मैन्युफैक्चर में काफ़ी पीछे हैं। अभी ग्रेटर नोएडा में एक सैमसंग का जो लास्ट ईयर प्लांट लगने का, उसका अभी स्टार्ट तो हुआ है, देखो नेक्स्ट फाइव ईयर में शायद वो स्टार्ट हो जाए, मैन्युफैक्चरिंग में आ जाए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बहुत अच्छा फील्ड है। और वी टॉक अबाउट द आईओटी, अभी हम मोबाइल सब यूज कर रहे हैं, आईओटी दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अभी हम उस पर देखते हैं कि आज बॉम्बे का टेम्परेचर क्या है, दैट इज द आईओटी दैट कवर्ड इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। अब ऐसा नहीं है वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर भी कर सकता है, बट इन दैट ऑल्सो रिक्वायर्ड द मैकेनिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। तो वहाँ पर जैसे आईओटी अपन ले रहे हैं, वी वांट टू नो द टेम्परेचर ऑफ बॉम्बे, तो अभी मोबाइल में हमने या गूगल में सर्च इंजन पर दिया व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ बॉम्बे, तो वहाँ का टेम्परेचर हमें पता चल जाएगा। बस कैसे पता चल रहा है, वहाँ पर कोई एक डिवाइस लगी हुई है, वो टेम्परेचर को कंटिन्यूसली सेंस कर रही है, एंड डेट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट, और इंटरनेट से हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो बहुत सारे फील्ड्स हैं, अब उसमें ये स्टूडेंट को ये चूज करना है
कि मेरा इंटरेस्ट किस में है। किसी का अगर लॉजिक अच्छा है, उसको प्रोग्रामिंग अच्छा आता है, उसको लगता है कि मैं अच्छा सोच सकता हूँ, अच्छी नई चीज़ डेवलप कर सकता हूँ, तो वो उस फील्ड में अगर जाता है तो उसका कंप्यूटर साइंस भी है। बाकी अगर हम बात करें, अगर सिविल इंजीनियर की अगर बात कर लें, मैं ब्रिज अगर डिजाइन करना है, या फिर कोई अगर अपन कोई घर में अपन पहले अपन कोई मकान बनाते हैं, उसके लिए पहले अपन एक स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, आर्किटेक्चर के पास जाते हैं, आर्किटेक्ट अपना वो एक उसका डिजाइन बना के देता है, या ब्रिज का डिजाइन देना है तो उसका फिर अपन देखते हैं कि भाई सिमुलेशन से कि उसका कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए, कितने साइज का बीम डालना है, तो सारी जो चीज़ें हैं वो डिजाइनिंग से आती हैं। तो वो कंप्यूटर का टाइम है। अब चाहे आप सिविल इंजीनियर बने, कंप्यूटर इंजीनियर बने, या फिर मैकेनिकल इंजीनियर बने, लेकिन उसमें उसको प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी ही चाहिए। डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट्स का उसका इंटरेस्ट किस में है। बीटेक किस भी फील्ड में करें खराब नहीं है, अच्छा है, बट उसको एक आज की जो रिक्वायरमेंट है डिजिटल की, उसको वो पूरा करें, प्लस जो लेटेस्ट सब्जेक्ट्स उसमें जो चल रहे हैं, फील्ड चल रहे हैं, उनकी नॉलेज उसको होना बहुत जरूरी है, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसको इस तरीके से कहें कि जंग तो काबिल बनने के, कामयाबी तो झक मार के पीछे आएगी 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 जी बिल्कुल। चलिए अगले सपने की ओर, अगले सपने की ओर जी, अगला सपना। सर मेरा नाम नितेश शर्मा है, मैं सर फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ सर। चलिए बहुत अच्छा सपना है, फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, तो यानी एक्टिंग 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 आप करना चाहते हैं। यस सर। चलिए बहुत बहुत अच्छा सपना है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। लेकिन एक्टिंग के लिए जाहिर सी बात है कि मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है इसके लिए, और फील्ड वर्क जो है आपको बहुत ज्यादा करना पड़ता है। कहते हैं कि भाई जूते घिस जाते हैं तब जाकर के कोई एक्टर बनता है। कौन है आपका फेवरेट एक्टर? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार क्यों, आपको पसंद क्यों है? सर उसकी एक्टिंग अच्छी लगती है। एक्टिंग अच्छी लगती है। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी और इस तरीके के एक्टर्स? नो सर। नहीं। चलिए मेरी शुभकामनाएं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप एक्टर बने और अक्षय कुमार से बड़े एक्टर बने। चलिए अगला सपने की ओर चलते हैं, अगला सपना। नमस्कार सर, मेरा नाम आशुतोष है, मैं जयपुर से हूँ। सर मैं फार्म डी के बारे में, सर पता तो है कि फार्म डी, सर मैंने वेब पे भी बहुत सर्च करा, पर सर इसमें आगे फ्यूचर किस तरीके से है, क्या है? सर जैसे अपन बी टेक के बाद एम टेक कर लेते हैं, तो सर इसमें अपन को आगे क्या करना पड़ेगा फिर और फ्यूचर स्टडी के लिए? चलिए इस सवाल का जवाब ले लेते हैं, हमारे साथ आरपी सिंह साहब हैं। आरपी सिंह साहब इसका जवाब आप ही दें। आपका जैसे क्वेरी है फार्मडी के, फार्मडी में एक एक्सक्लूसिवली मैं बता दूं, जैसे अभी शायद किसी ने क्वेरी करी थी कि मैं बेटा बन जो है डॉक्टर बनना चाहता है और डॉक्टर की डिग्री उसकी आगे, फार्मडी एक्सक्लूसिव ऐसा कोर्स है, करने के बाद में आपके पास राइट होता है कि आप अपने आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। तो ये तो एक स्पेसिफिक चीज़ हो गई आपकी फार्मडी कोर्स के लिए। इसी से आप पता लग सकते हो कि ये कोर्स कितना एक्सक्लूसिव है। मैंने पहले ही बताया फार्मडी डिज़ाइन किया है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने, पूरा 6 साल का कोर्स है, काफ़ी लंबा कोर्स है ये, और इसमें क्लिनिकल एस्पेक्ट्स और मेडिसिन की पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो इसलिए इसको मास्टर्स कहते हैं, मास्टर्स इन फार्मेसी है ना, तो ये एक्सक्लूसिवली। रही बात इसकी प्लेसमेंट्स की यदि बात करें, तो मैंने बताया कि अभी तक रेयर ऐसे हैं कॉलेजेस जहाँ पे 6 साल की डिग्री अभी कंप्लीट हुई है, अदरवाइज ज़्यादातर जगहों पे तो ये कोर्स अभी रनिंग में है। तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं जो ये कोर्स कर रहे हैं, क्योंकि आते ही सबसे बड़ी बात है कि इंडिया के बाहर तो इसका बहुत स्कोप है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि बाहर जो है डॉक्टर के बाद में उनके पेशेंट की काउंसलिंग के लिए वहाँ पे फार्मासिस्ट होते हैं, तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट की डिग्री लेकर के यदि अपन बाहर जाते हैं तो आपको हाथों हाथ लिया जाता है वहाँ पे, और वहाँ पे आवर्स के बेसिस पे आपको पेमेंट दिया जाता है, जैसे कि डॉक्टर्स को वहाँ पे आवर्स के बेसिस पे पेमेंट मिलता है। आप जितनी मेहनत करेंगे आपको इतना अर्निंग होगी, और इंडिया में अभी क्योंकि ये बहुत इनिशियल फेज पे है, तो जैसे ही काफ़ी, और मैंने बताया कि इस कोर्स को कि सबसे बड़ा एक राइडर ये है कि हम वहाँ ये कोर्स चल सकता है जहाँ पे कि खुद का मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल के एसोसिएटेड ही हम इसको इस कोर्स को रन कर सकते हैं। तो उस एंगल से भी ये बहुत रेयर कोर्सेज है, तो जो भी निकल रहा है अभी, क्योंकि मैं अभी बता दूँ, जैसे हमारे यहाँ पे निम्स में जो भी इस टाइम फार्मडी के कोर्स कर रहे हैं, अभी से उन जो स्टूडेंट्स हैं उनको अप्रोच कर रहे हैं लोग कि आप कंप्लीट करिए और हमारे पास आइए। इवन निम्स ने एक खुली अपॉर्चुनिटी दे रखी है उनको कि आप एज सून एज यू कंप्लीट योर कोर्स यू कैन ज्वाइन द निम्स हॉस्पिटल। तो आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी कितनी एक्सक्लूसिविटी है और कितनी डिमांड है। चलिए वक्त कम है हमारे पास, अगले सपने की तरफ चलते हैं। कोई शख्स आपके आपके बीच में से अगर कोई चाहते हैं अपना सपना शेयर करना तो प्लीज शेयर करें। यस सर, मेरा नाम अंकित जैंगिड़ है, मैं सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ हूँ। तो सर मेरा सपना तो जैसे मेडिकल में ही जाने का था और आज भी है, बट सर मैं क्या थोड़ा मेरी आंखों में प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं अभी मैंने एंट्रेंस एग्जाम भी दिया नीट का, तो उसमें स्कोर कम रहा तो ये नहीं हो पाया। तो सर मुझे आगे कोई ऐसा स्पेशल फील्ड हो जिसमें
मेहनत कम करे और आउटपुट ज़्यादा मिले, पढ़ाई स्टडी तो कम हो, मैं प्रैक्टिकली करना प्रैक्टिकली प्रॉपरली कर सकता हूँ बट स्टडी सर नो। चलिए इसका इसका जवाब हम अपने पैनल पर छोड़ देते हैं कि वो कौन है जो इनका जवाब देना चाहते हैं। देखिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा बेटा कि पहला तो ये शब्द की मेहनत कम हो, बिना मेहनत के आप कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। स्टडीज कम हो ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी आंखों में प्रॉब्लम है तो सबसे आसान उपाय है कि आप उसका इलाज कराएं। इलाज हो गया सर, पर जो होना था वो हो गया, आगे नहीं हो सकता। आप लॉन्ग टाइम स्टडी नहीं कर सकते। पर आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट है या नहीं? है सर। आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें स्टडी मटेरियल कम होता है पर प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज्यादा होता है। फिजिकल एजुकेशन एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आपको प्रैक्टिकली बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। उसके अलावा पैरामेडिकल के जो कोर्सेज हैं उसमें आपको क्लिनिकल फिजियोथेरेपी का जो कोर्स है फिजियोथेरेपी में आप जा सकते हो, उसमें आपको प्रैक्टिकल ज्यादा कराएंगे। आपको किताबों से अगर आपको लगता है कि किताबों को पढ़ने की वजह से आपको दिक्कत आती है तो फिजियोथेरेपी ऐसा हो गया, फिजिकल एजुकेशन ऐसे कोर्सेज हो गए जिसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा करनी पड़ेगी, आपको वो मेहनत। पर आपकी ये थॉट कि उसमें मेहनत कम हो तो बेटा सर, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। फिजियोथेरेपी तो इनका मेडिकल में इंटरेस्ट भी है तो वो तो आपके आपके लिए फिजियोथेरेपी का आप कोर्स देख सकते हो जिसमें आपको हॉस्पिटल में जाके जो पेशेंट्स हैं उन पे प्रैक्टिस करना सिखाया जाएगा। थोड़ी बहुत पढ़ाई तो करनी पड़ेगी क्योंकि अगर कोई नर्व बॉडी में है तो नर्व कहाँ पर है कैसे है वो तो किताब के थ्रू पता पड़ेगा, पर ह्यूमन बॉडी को भी दिखाया जाएगा कि वहाँ पे वो नर्व और मसल कैसे काम करते हैं। तो आपके लिए ये कोर्सेज के अंदर वैसे होता क्या है, क्या किस तरह से स्टडी मटेरियल वगैरह क्या? फिजियोथेरेपी के कोर्स में हमारी बॉडी जो फिजिकल फिजियोथेरेपी का मतलब जो फिजिकल बॉडी है उसकी पढ़ाई कराई जाती है। तो आज कोई क्रिकेटर है उसके हाथ में स्प्रेन आ गया, या आप ही क्रिकेट खेल रहे हैं कोई गेम खेल रहे हैं, आपने अगर सचिन तेंदुलकर जी का नाम सुना हो तो उनको एक बीमारी हो गई थी टेनिस एल्बो। खेलते क्रिकेट थे पर बीमारी टेनिस एल्बो कहलाई थी। तो टेनिस एल्बो को किसने ठीक किया? टेनिस एल्बो में उनको एक्सरसाइजेस बताई गई, वो कौन कराता है? वो एक फिजियोथेरेपिस्ट कराता है। तो फिजियोथेरेपी में आगे जाके स्कोप है कि आप स्पोर्ट्स के फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। और आजकल कोई भी खिलाड़ी हो या कोई भी ओल्ड एज में आता है 40+, आजकल ये ऑब्जर्वेशन हो गया है कि 40 साल की उम्र के बाद लोगों के स्ट्रेस लेवल और लाइफस्टाइल की वजह से कहीं ना कहीं मसल में, गर्दन में, हाथ पांव में प्रॉब्लम्स रहती हैं। इनका सॉल्यूशन कौन करता है? इनका सॉल्यूशन करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, जो उनको खड़ा कर देते हैं, इनको बिल्कुल तैयार करके फिर से भागने की क्षमता जो पैदा करते हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। तो आपके लिए वो कोर्स बहुत अच्छा रहेगा। पर मैं आपको तीसरी बार फिर कहता हूँ, बिना मेहनत के आप कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के कोर्सेज जिसमें फिजिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा है, फिजियोथेरेपी आपके पास ऑप्शन है, आपके पास फिजिकल एजुकेशन करके जो डिग्री है उसका एक ऑप्शन है, तो वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए वक्त कम है हमारे पास, एक अंतिम सपना ले लेते हैं, एक अंतिम सपना ले लेते हैं। कोई अगर आपके बीच में से कोई शेयर करना चाहते हैं अपना सपना तो प्लीज कीजिए। मेरा नाम उत्तम चंद जहांगीर है, मेरे पिताजी का नाम पुखराज जहांगीर है और मैं 12th बायोलॉजी से पास आउट हूँ। मुझे नर्सिंग में इंटरेस्टेड है और मुझे ये जानना है कि नर्सिंग में क्या क्या फैसिलिटीज है, और इसके लिए मुझे कुछ बताना चाहो। चलिए दीप्ति मैम, नर्सिंग करियर आपने चूज किया, 12th के बाद बायो है, तो बायो में आपने नर्सिंग करियर चूज किया है, कुछ सपना लेके चूज किया होगा कि नर्सिंग में आपको क्या बनना है, क्या करना चाहते हैं आप नर्सिंग में? मैं डॉक्टर बन के आगे देश की सेवा करना चाहता हूँ। देखो नर्सिंग में हम डॉक्टर नहीं बन सकते, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नर्सिंग में हम डॉक्टर नाम भी नहीं लगा सकते अपने नाम के आगे, और नर्सिंग में कभी डॉक्टर बन भी नहीं सकते। नर्सिंग में एक बीएससी नर्सिंग करके कोर्स होता है जो 4 साल की ऑनर्स डिग्री होती है, वो आप कर सकते हैं अगर आपकी एज, क्वालिफिकेशन और सब्जेक्ट्स मैच करते हैं तो। उसके साथ में जब बीएससी नर्सिंग आप कोर्स कर लेते हैं तो 3 साल की आपकी कोर्स हार्ड कोर स्टडीज रहती है, पढ़ाई रहती है, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल के लिए जाना पड़ता है जिसमें हम हॉस्पिटल्स में भी ड्यूटी लगाते हैं। जब आप नर्सिंग प्रोफेशनल बन जाते हैं, आपकी नर्सिंग को कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आगे आप उसे क्रिटिकल केयर की तरफ मूव कर सकते हैं, आईसीयू डिवीजन की तरफ मूव कर सकते हैं। आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में, हम सबका ही वास्ता पड़ा होगा, हम सभी लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, एक जनरल वार्ड में भी नर्सिंग होती है, एक स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी विंग में भी नर्सिंग होती है, इसके साथ साथ आईसीयू, एमएमसीयू, ये सब वार्ड्स में भी नर्सिंग होती है। तीनों की नर्सिंग डिफरेंस है, एक नॉर्मल इंजेक्शन लगाना, एक इंजेक्शन लगाना, ये सब चीज़ें करना कोई भी कर सकता है, मैनेजर्स करना, ये प्रॉपर नर्सिंग सिर्फ स्टार्टिंग बेसिक यहीं से होती है।
जो हम GNM का भी एक कोर्स होता है आफ्टर 12th, उसमें भी जाके सीख सकते हैं। लेकिन इसके बाद अगर आपको एडवांस बनना है, उसी प्रोफेशन में आगे और एडवांस करना है, और ज़्यादा सीखना है और स्पेशलिटी हासिल करनी है, तो आपको नर्सिंग प्रैक्टिशनर इन क्रिटिकल केयर में जाना पड़ेगा, जिससे आप नर्सिंग का एडवांस वर्जन कर सके। उसके बाद आप पोस्ट BSc या MSc करके अगर आप एकेडमिक लाइन में जाना चाहते हैं तो वो भी आप चूज कर सकते हैं। इस तरह से नर्सिंग के करियर को हम आगे बढ़ा सकते हैं। मैम, सिविल डॉक्टर के लिए मेरे को आगे क्या करना चाहिए? सिविल डॉक्टर प्रोफेशन एक बिल्कुल अलग प्रोफेशन है, जिसमें MBBS इंक्लूड होता है, वो डिग्री ही अलग है, उसका नर्सिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो इसके लिए अगर आप आगे बढ़ना चाहें तो आप हमारे करियर काउंसलर से मिल सकते हैं, एडमिशन सेल में अप्रोच कर सकते हैं, जो आपको पूरी करियर गाइडेंस देगा इसके लिए। चलिए, तो उम्मीद है कि तमाम जो सवाल थे उन सवालों को मुकम्मल जवाब मिला होगा। हमारी ये कोशिश थी कि सपनों को हम एक मंच दे सकें, क्योंकि सपनों को अगर बंद रखा जाए तो कहते हैं कि सपने छोटे हो जाते हैं, और मार्टिन लूथर किंग ने भी कहा था कि ड्रीमिंग स्मॉल इज अ सिन। तो हम ये पाप न होने देंगे और न करने देंगे। हमारी कोशिश थी कि हम उन सपनों को आप तक पहुंचाएं, और अगर वहां पर सवाल हैं तो उन सवालों का जवाब भी मिले। हमें लगता है कि हमारी ये कोशिश सफल थी, क्योंकि हमने तमाम सपनों को आपके सामने रखा। हमारी ये कोशिश लगातार जारी रहेगी। न्यूज़ इंडिया के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।